ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रधान बिडौरा भास्कर सम्मल ने पेयजल विभाग पर उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में भेजे गए पत्र के मामले में गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि जल जीवन मिशन के मामले में दायर की गई रिट का हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है उस मामले में गलत और तथ्य पेश कर भ्रामक पत्र भेज रहा है विभाग। ग्राम प्रधान सम्मल व ग्राम प्रधान कुनियारी हुकुम सिंह ने उच्च न्यायालय में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपए में पेयजल संयोजन देने की योजना पर काम ठेकेदार से न कराकर ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराने के संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस मामले को उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर को मामले को ये निर्देश देते हुए कि अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया कि याची 19 अक्टूबर तक नया प्रत्यावेदन सचिव पेयजल उत्तराखंड शासन को प्रेषित करे। यह प्रत्यावेदन प्राप्त हो उसके 4 सप्ताह के भीतर सचिव पेयजल मामले का निस्तारण करेंगे। इधर सचिव पेयजल ने अपने 28 अक्टूबर के पत्र में सम्मल से कहा कि 12 दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास प्रत्यावेदन नहीं दिया है। इस पर सम्मल ने सचिव पेयजल को भेजे पत्र में कहा है कि वह इस मामले में गलत तथ्यों के साथ भ्रामक पत्र भेज रहे हैं। उनके अवर अभियंता सितारगंज उनका पत्र प्राप्त नहीं करना चाह रहे। ये सचिव पेयजल को 19 अक्टूबर को रजिस्टर डाक से पत्र भेज चुके हैं जो 21 अक्टूबर को प्राप्त हो चुका है। सम्मल का आरोप है कि जनहित के कार्य को अनदेखी कर अनर्गल व अनैतिक पत्राचार कर कार्रवाई को लंबा खींचा जा रहा है, इससे उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा। दीपक भारद्वाज, सितारगंज, हिंदुस्तान न्यूज 24 की खास खबर। माननीय उच्च न्यायालय में जल जीवन मिशन को लेकर जो हाईकोर्ट में रिट डाली थी, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारी रिट को यह कहकर निस्तारित कर दिया गया था कि 19 तारीख तक आप लोग किसी भी जीमेल या अपने डाक के माध्यम से इस पत्र को सचिव जल एवं पेयजल एवं स्वच्छता को भेजें। उसके क्रम में अनुक्रम में हमने 19 तारीख को स्पीड पोस्ट करके और जीमेल के द्वारा स्वच्छता एवं पेयजल सचिव को हमने इसकी मेल भेज दी थी और 21 तारीख को वहां प्राप्त भी हो गई जिसकी रिसीव हमारे पास उपलब्ध है। परंतु कल हमारे पास जल संस्थान सितारगंज के कर्मचारी मेरे घर पर पहुंचे और उनके द्वारा एक लेटर हमको दिया गया जिसमें लिखा हुआ था कि आपके द्वारा अभी तक कोई भी प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में नहीं दिया गया है। तो इसके लिए मैंने उनको रिसीविंग दिखाई कि हमने 19 तारीख को यहाँ से भेजा है, जीमेल की कॉपी भी हमारे पास है। तो उनके द्वारा हमें कार्यालय आने कर संपर्क करने के लिए कहा गया, जहाँ आज मैंने कार्यालय में संपर्क किया तो वहाँ हमको जो जेई महोदय थे उन वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं बनता है कि हम किसी से दस्ती रिसीव करें और आप इसको डायरेक्ट किसी अन्य माध्यम से भेजें। तो उसी के अनुक्रम में हमने जल जीवन मिशन में जो प्रत्यावेदन है उसको अब हम डाक के माध्यम से माननीय सचिव महोदय को भेज रहे हैं। लेकिन सचिव महोदय द्वारा अगर उस पर हमारा जो पूर्व प्रत्यावेदन भेजा गया है उस पर कानूनी सहमति और कानूनी जो हमारी मांगे हैं उनको अगर नहीं किया जाता है तो हम इनकी अवहेलना, कोर्ट की अवहेलना के लिए माननीय उच्च न्यायालय में पुनः शरण लेंगे और इन कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे।